अरे गेट खाली कर दे भाई, गेट खाली कर, कम से कम चल भाई, चल 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 आगे बढ़, चल 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 बोल 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 जगह क्या, अरे 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 नहीं होगा क्या भाई, माता बड़ा उतर नीचे जाने बिना छाना। जय दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। मेरा नाम अजीत सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूँ बेंगलुरु के एसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे। और इस रेलवे स्टेशन से आप सभी को लेके जाएंगे बिहार। जी हाँ, क्योंकि जो अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12578 यानी बागमती एक्सप्रेस में, जो कि मैसूर से दरभंगा के बीच में चलती है। बाकी इस ट्रेन जर्नी में अल्टीमेट मजा आने वाले, तो चलिए इस ट्रेन जर्नी को शुरुआत करने के लिए चलते हैं इसे केएसआर बेंगलुरु के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। और दोस्तों देख सकते हो आ चुकी है अपनी ये बागमती एक्सप्रेस, जो कि भाई साहब अपने ऑन टाइम आई है। यानी इसका यहाँ से चलने का टाइम है 1:50 पर 1:35 पर आ जाते हो, ठीक है। नहीं मतलब 3 दिन की दूरी तय करने के बाद हम लोग तीसरे दिन पहुँच जाएंगे दरभंगा शाम में 4 बजे। वैसे अगर बात करते ये रहा इस ट्रेन का जनरल कोच, लेकिन हम आज जनरल में भी सफ़र करेंगे और स्लीपर में भी, क्योंकि जो अपना सीट है वो आज भी आरएसी रह गया। और जितने भी आगे जनरल का मतलब जर्नी आने वाला है वो सब आरएसी में ही आने वाला है, क्योंकि भाई साहब सीट ही ऐसा है, 2 महीने पहले टिकट कराने के बाद भी इन सब ट्रेनों में आरएसी रहता है। बाकी अभी फिलहाल में तो कंडीशन ठीक ठाक लग रहा है। बाकी चलते हैं, अपना जो कोच है वो है एस ट्रेन सबसे आगे के साइड में। और जनरल का हालत उतना भी खराब नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी ये धीरे धीरे खराब होता है। इसमें चेन्नई वाले भी बैठते हैं और बेंगलोर वाले भी और कटपाड़ी वाले जितने भी रास्ते में स्टेशन आए गए सब वाले आ जाओ भैया। बाकी चलते हैं अपने कोच में देखने कि अपना एसी का जो सीट है वो किससे शेयर करना है। बाकी अभी भी भीड़ हो चुका है यार, क्या यार ये क्या कर रहे हैं यार। चलिए चलिए अब जाइए। और दोस्तों देख सकते हैं यही है अपना सीट 31 नंबर। और ये भैया जी अपने साथ आज ट्रेवल करने वाले हैं, जिनके साथ अपना सीट शेयरिंग होने वाला है। बाकी देखते हैं, ये तो स्लीपर भी भाई जनरल जैसा लग रहा है गेट पे आते ही देखे यो। और मेरे ख्याल से कुछ देर बाद आगे चल के ये भी जनरल बन जाएगा, देखते हैं सफर में क्या होता है। बाकी सफर बहुत थका देने वाला होने वाला है। बाकी खुलने ही वाली है कुछ देर में अपनी ट्रेन भी, अभी खुला नहीं कि भैकअप हो गया, आगे चल के कितना भैकअप हो गई है। अरे देखो यार बताओ, अभी भैकअप मारा, अभी पता नहीं कहाँ कहाँ भैकअप, अभी पूरा तो ट्रेन ही बाकी है। कौन कौन भैया टिकट नंबर दो, नंबर दे दो जल्दी जल्दी जल्दी, कोड है ना, मैसेज दिया नंबर मोबाइल नंबर ऐसे ही जल्दी से, चाहे कोई उसे को उतारना होगा। मार दिया भाई कब, कैसे मारा क्यों, खींच के चल गया, खींच के चले गया मस्ती में। टिकट दिखाओ तुम्हारा, मोबाइल नंबर याद नहीं तुमको यार। तो चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी देख सकते हो सही सलामत एक बार भैकअप पे लगने के बाद निकल चुकी है। कूदिएगा, कूदिए कूदिए जल्दी से, चलिए। और भाई साहब तो कूद गए चलती ट्रेन से, लेकिन आप कूदने की कोशिश ना कीजिए, इनका रोज का लफड़ा ही पता नहीं चोर है कि क्या है, अब भगवान जाने। वैसे अगर बात करें तो भाई साहब इस जर्नी में अल्टीमेट मजा आने वाला, क्योंकि आप सही ने शुरू में ही स्वागत देख लिया क्या हुआ इस ट्रेन के साथ। पहले 2-3 थप्पड़ पड़ा पैसेंजर को, उन्होंने बैकअप मारा, क्या क्या किया। बाकी आप सभी जर्नी का मजा लीजिएगा, और जर्नी अच्छा लगे तो भाई साहब वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मिलते रहेंगे आप सभी को हमेशा खुश रखने के लिए नई नई ट्रेन के साथ। चलते अपने सीट के पास, बाकी वहाँ भी माहौल देखते हैं। अरे ऐसी सीट का साला गजब ही लफड़ा होता है। जुल्लारपेट जंक्शन,
तो चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है जोलार पेटे जंक्शन रेलवे स्टेशन। और देख सकते भाई साहब, काफ़ी खाली खाली और बिल्कुल खूबसूरत रेलवे स्टेशन। वैसे अगर ट्रेन जर्नी की बात करूँ तो जर्नी में बिल्कुल मज़ा आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल शांत है और मुझे अभी शांत माहौल की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये शांति कुछ ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली है, चेन्नई के बाद शांति या शांति बदल जाएगी। वैसे अगर बात करें इस जोलारपेटे जंक्शन रेलवे स्टेशन के, स्टेशन कोड JTJ, नंबर है प्लेटफॉर्म पूरे के पूरे 5 और यहाँ पे भाई साहब पूरे के पूरे 197 ट्रेन आके रुक जाती हैं। वैसे अगर बात करिए, अब हम लोग आ चुके हैं तमिलनाडु में और तमिलनाडु के तिरुपति जिले में पड़ता है। बाकी एक बात मानूंगा, ये जो कटपाड़ी जंक्शन है भाई साहब, अपने आप में ये खूबसूरती का नज़ारा, ये देखिए सामने में देख रहे हैं पूरे के पूरे पर्वत, पूरे के पूरे एक अलग ही नज़ारा है। और ये जो तिरुपतूर है भाई साहब, अपने चंदन की लकड़ियों के कारण जाता है, जो कि यहाँ नहीं काफ़ी ज़्यादा अंदर घने जंगलों में मिलता है। बाकी यही है, 5 मिनट का हॉल्ट है और 25 मिनट पहले ये, मतलब 30 मिनट रुकने वाली है। और निकल चुके हैं जोलारपेटे जंक्शन से और हमारे तरफ भाई साहब ठंडी ने हालत ख़राब किया है और इधर का मौसम ही मस्ताना हो रहा है। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है भाई साहब कटपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ पे एक अलग ही लेवल का भीड़ था। वैसे अगर बात करें इस कटपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के, स्टेशन कोड KPD, नंबर प्लेटफॉर्म पूरे का पूरे 5 और यहाँ पे पूरे का पूरे 249 ट्रेनों का हॉल्ट है। वैसे अगर बात करूँ तो अपनी ट्रेन में अभी भी एकदम शांति माहौल है और जनरल का तो शुरू से ही अशांति माहौल था और है। वैसे अगर बात करूँ इस कटपाड़ी की तो पहले दौड़ जाओ भैया, कटपाड़ी की तो यो आता है वेल्लोर जिले में, और वेल्लोर जानते हैं अपने कई चीज़ फेमस है, जैसे CMC वेल्लोर के लिए। और यहाँ पे आप सभी को सब मतलब ये सब चेन्नई जाने के लिए लोकल पैसेंजर है, जो कि चेन्नई जाएंगे वैसे कई जैसे अपने रबड़ उत्पादन के लिए। और साथ साथ में ही ये जो जंक्शन है, आप यहाँ से हम लोग आ रहे हैं अभी बेंगलुरु की तरफ से, अब जाएंगे अभी हम लोग चेन्नई की तरफ और यहाँ से आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बाकी 5 मिनट का हॉल्ट है और अपने को दबा के लगा भूख, खाने पीने के अंदर में कुछ खास नहीं मिला भाई, समोसे समोसे चिला रहा है, देखते हैं कुछ खाना ढूंढ कर आता है यार अपने लिए। और निकल चुके हैं और कुछ ना सही से कुछ सही हमने ब्रिटानिया का बिस्किट ले लिया, बहुत दिन हो गया था ब्रिटानिया बिस्किट खाए, बस यही है कि दूध होता तो इसमें डुबा डुबा के खाता और ज़्यादा मज़ा आता। बाकी चलते हैं, ट्रेन में भीड़ चढ़ गया लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं है, ये उतर जाएंगे चेन्नई में, बाकी चेन्नई से एक्चुअल भीड़ चलेगा। चेन्नई सेंट्रल, और दबा क्या भीड़ चढ़ेगा अपने ट्रेन में। और दोस्तों देख सकते हो अपनी ट्रेन में भीड़ का आलम है चालू हो चुका है, यानी हम लोग पहुंच चुके हैं MGR चेन्नई सेंट्रल, यानी तमिलनाडु की राजधानी में। और जो अपनी ट्रेन का कसर था वो यहाँ से एक्चुअल पूरा होने वाला है, क्योंकि देखो सारे बाल्टी बोरा जो भी झोरा लेके सब दौड़ के निकल चुके हैं अपने ट्रेन को पकड़ने के लिए। वैसे अगर बात करें इसे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की, तो वैसे तो भाई साहब ये बहुत बड़ा सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जैसे अपने देश में जानते हैं कितने बड़े बड़े सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, उनमें से ये एक है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और चेन्नई जानते हैं भाई साहब किस किस चीज़ों के लिए फेमस है, अपने यहाँ के बीचेस के लिए, यहाँ पे कमाने आए लोगों के लिए, जो कि ऐसे ऐसे दौड़ दौड़ के अपने बिहार जब जाते हैं तो जाना पड़ता है। वैसे यहाँ पे पूरे का पूरे 20 ट्रेन रुकती हैं, क्योंकि ओरिजिनेट ट्रेमेट देखो तो यहाँ पे बहुत होती है, लेकिन 20 ट्रेन इसलिए रुकती हैं क्योंकि वापस ये ट्रेनें जाती है। सेंट्रल का मतलब ये होगा कि इसके आगे नहीं जा सकती, यहाँ से लोको रिवर्स करना पड़ेगा और ये अपनी ट्रेन जाएगी।
वैसे अब देखते हैं, पहले अपने सभी भाई लोग को बैठाते हैं। और मुझे चेन्नई आने का बहुत बार मौका मिला है, तो आपको भी आए तो घूमे फिरे, लेकिन समुंदर में कम ना है क्योंकि उतना मज़ा नहीं आता है यहाँ पे समुंदर में नहाने में। बाकी चलो भाई लोगों को बैठाते हैं, फिर चलते हैं, खाने पीने का बताएंगे आप। आइए एक नज़र अपने वही पुराना वाला जनरल क्लास में डाल लेते हैं, देख लीजिए भाई साहब ठूस ठूस के एकदम भरे चल रहे हैं। चल भाई चल 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 सही, बढ़ बढ़ करके ठेल 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 के अंदर ले जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें भाई पॉसिबल ही नहीं है, उतना जगह ही नहीं है जितने लोग आते हैं। बाकी चलते हैं हर जगह के। अरे 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 ये कौन सा सर्विसिंग दे रहे हैं यार, यार ये तो अलग ही सर्विसिंग है। मतलब पूरा ये ट्रेन साफ कर रहा है कि लोगों को ही साफ कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इतना भी कोशिश कर ले, अब जगह ही नहीं है तो आखिरकार घुसेंगे अंदर। चलन अरे गेट खाली कर दे भाई, गेट खाली कर, कम से कम चढ़ा है तो अंदर जा कम से कम। ये लोग समझने वाला नहीं है, गेट पे ही खड़ा है, जो गेट पे घुस गया वो अंदर जा नहीं रहा है क्योंकि भाई अंदर जाओगे तो जगह बनी जाएगा। और ऐसा नहीं होता है कि जिसको जाना, देखो अभी ठेला ठेली बाहर से ही करेगा तो बाहर से ही ठेला ठेली करते रह जाएगा। बाकी चलिए अपने स्लीपर का ब्याज दिखाते हैं, वो भी जनरल बन चुका होगा क्योंकि जिसका इसमें से हिम्मत टूटेगा, इसमें जो नहीं जा पाएगा वो अपने स्लीपर क्लास के अंदर ही घुसेगा वेटिंग टिकट लेके जो भी करके। और दोस्तों देख सकते हो निकल चुके हम MGR चेन्नई रेलवे स्टेशन से, यानी सेंट्रल से। और बात करें तो अपनी ट्रेन में भीड़ अब क्या ही दिखाऊं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब स्लीपर में भी अब जनरल वाला हाल हो चुका है। बाकी ये सारे इधर ही है, साउथ इंडिया के ही हैं। बाकी हमारे तरफ के जो भी लोग चढ़े हैं वो आगे के कोचेस में चढ़े हैं जनरल में, बाकी एक दो को स्लीपर कोचेस में। बाकी देखते हैं कैसा सफ़र करता है, लेकिन आज का बात है अब इसके बाद आएगा अब 10:30 एक स्टेशन गुड्डूर जंक्शन, जहाँ पे कल 2 मिनट की ट्रेन निकलेगी। तो उस स्टेशन को ना कवर करके सुबह में स्टेशन कवर करेंगे, देखते हैं कौन कौन से। बाकी रात का जो माहौल होता है आप सभी इंजॉय करिए। कहाँ तक जाओगे? दरभंगा जाओगे, मतलब अभी यहाँ चढ़े हुए चेन्नई से या बेंगलोर से? टिकट वेटिंग है? हाँ टिकट है। चलो इस भाई का तो कंफर्म है, अपना भी आधा कंफर्म ही है, वेटिंग है। हाँ क्या है, फाइन मरवाया है तूने? तभी भाई ने 1300 का फाइन मरवाया है, तभी भाई ने 1300 का फाइन मरवाया है। और तो इसमें इधर कहीं गेट वोट पर साइड में बैठने का जगह मिल जाए। बाकी चलते हैं, अपना तो आधा सीट मिल चुका है, 2 महीने पहले करवाए थे। बताओ यही दिक्कत होता है, 3 महीने 4 महीने पहले कराओगे तब कंफर्म होगा, कम से कम 4 महीना। गुड मॉर्निंग जी, सुबह सुबह के करीबन 7:30 हो रहे हैं और हम लोग बल्लाड़ साहब पहुँचेंगे 10:00 के आसपास में। वैसे ट्रेन तो बात करो भाई काफ़ी स्लो चल रही है, जब वैसे वरंगल से निकली है तब से स्लो ही चल रही है। वरंगल के बाद नहीं निकला, वॉशरूम वाशरूम गया, वॉशरूम वाशरूम इसमें क्लीन है, ठीक ठाक है। और अभी मतलब सुबह सुबह सफाई किया गया है 6:30-7 के बाद, उससे पहले तो वैसे ही ख़राब था। बाकी देखते हैं कोच में हालत कुछ खास नहीं सुधरा है, वैसा ही है जो पहले जैसा था। बाकी खाने पीने के लिए मिल रहा है, चाय वाय मिल रहा है, ब्रेड व्रेड पता नहीं क्या क्या, देखते हैं क्या क्या लाता है, नाश्ता करते हैं फिर। गया भाई साहब ओड़ा कौड़ा पकौड़ा दिखाइए, खिलाइए एक। खिलाएगा नहीं, खिला भी दीजिएगा तो खा ही लेंगे। एक अंडा दे दीजिए और एक अकोड़ा पकोड़ा जो भी लाया है, दोनों मिला के देंगे। हाँ दोनों मिला के देंगे। नहीं नहीं, एक 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 खिलाइए, बहुत चेंज है हमारे पास। बस बस नमक वमक नहीं। और आ गया भाई साहब ये अपना अंडा और ये अपना आलू। बाकी देखते हैं भैया को 20 रुपए देते हैं पहले, और बाकी देख सकते हैं दिए रहा ये शायद अंडा पकौड़ा लग रहा है, गरम गरम है अंडे का टेस्ट ठीक है और आलू तो बिल्कुल गरम है। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट ठीक ठाक है, अच्छा मतलब सुबह का गरम गरम मिल जाता है तो अच्छा है। बाकी एक ही है कि चटनी नहीं दे रहे भैया, चटनी वटनी कहा नहीं लाते भैया, चाय का चटनी देंगे तो माल चटनी उसके 5% भाई लोग जो है ना हाँ हाँ चटनी खोजता, बाकी 95% मिर्ची मिर्ची खोजता। तो यही रीजन है कि बिहार की ट्रेन है तो इसमें लोग चटनी की जगह मिर्ची खाते हैं, तो जैसा देश वैसा भेष बदलना पड़ता है।
बल्लाड़ शाह जंक्शन पहुंच चुके हैं और खाना खाना भी यहाँ भी खिलाएंगे लोग। तो चलिए जी, लगभग 9:40 हो चुके हैं और अपनी ट्रेन पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के बल्लाड़ शाह जंक्शन रेलवे स्टेशन। और भाई साहब, यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे आते ही आप सभी को प्लेटफॉर्म के अगल बगल में वैसे बहुत सारी शेर चिड़िया बाघ दिखेगा, जो कि अपने इस प्लेटफॉर्म पर नहीं दिख रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड में दिखता है। तो इसका मतलब ये जो बल्लाड़ शाह है वो अपने फेमस है तड़ावा नेशनल पार्क के लिए, जहाँ पे आप सभी को बहुत सारे अलग अलग तरीके के अलग अलग जीव जंतु मिल जाएंगे। वैसे अगर बात करूँ इस बल्लाड़ शाह रेलवे स्टेशन के, स्टेशन कोड BPQ नंबर प्लेटफॉर्म पूरे का पूरे 5 और यहाँ पे पूरे का पूरे 152 ट्रेनें आके रुक जाती है, ओरिजिनेटर मेट तो होती है। और साथ साथ में ही आप सभी को इधर खाने पीने के लिए भी अच्छा खासा सुविधा है। देखो बहुत सारा फल यानी महाराष्ट्र और नागपुर के आसपास में, तो ये संतरा मिलना लाजमी है और साथ साथ में सेब वेब तो मिल रहा है। वैसे अगर बात करें तो हमने इस ट्रेन के पेंट्री में खाने का ऑर्डर लेने आए थे तो हमने खाना भी का ऑर्डर दे दिया। वैसे देखो सभी लोगों से, आम पैसेंजर से इसमें 100-100 रुपये की थाली ली जा रही है, वेज थाली 100 रुपये की। बट हमने बोला, उनसे पूछा कि भाई 100 रुपये का क्यों ले रहे हो, तो बोले कि हम क्वांटिटी ज़्यादा देंगे। अब देखते हैं, हमने तो बोला है कि भाई हमारे लिए 80 रुपये वाला लेके आना, अब पूछ ही लेंगे उनसे भी, आपसे बात कराएंगे कि क्यों 100 रुपये वाला थाली और 80 रुपये वाला थाली में क्या अंतर है। बाकी चलते हैं 5 रुपये वाला पानी भरने के लिए, यहाँ पे 5 रुपये वाला पानी भी मिलता है। और भाई साहब यहाँ देखिए यही मिल रहा है 5-5 रुपये वाला पानी, जो कि लाइन में लग के लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई अंदर में पानी तो 15 रुपये का बेचा जा रहा है। ये तो मैंने देखा, इस ट्रेन की फैसिलिटी अच्छी है कि सारे चीज़ रेट पे है। अब देखते हैं कुछ कुछ चीज़ें बेरेट के, बाकी पानी लेते हैं। अच्छा खासा भीड़ लगा पड़ा है भाई साहब, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा बैर बिक रहा है और हमने भी ले लिया, केला वाला तो बिक ही रहा है। और ये जो बैर है ना, इसका साइज देख के मैंने केवल खरीदा है, क्योंकि देख लो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 संतरे हैं और लगभग इसका वजन होगा तो 400 ग्राम से कम भी नहीं होगा। देखते इतना बड़ा बड़ा बैर सच में पका हुआ है कि कच्चा है, 30 रुपये का दिया है। बाकी चलते हैं अपने सीट पे और निकल चुके इस बल्लाड़ शाह से। यहाँ पे महानंदा डेयरी पार्लर है जहाँ से आप लस्सी दूध ले सकते हो। वैसे ही भाई यहीं पे रात भर गेट गुजारा है और आज रात को भी इसको गेट पे गुजारना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब वेटिंग वालों का हालत ख़राब रहता है। बाकी चलते हैं अपने सीट पे, देखते हैं नागपुर के आने से पहले लगता है कि हमें खाना मिल जाएगा जो आपको दिखा सकते हैं। तो भाई साहब आ गया अपना खाना मेरे और भैया जी का, देख लीजिए यही है। और बाकी इस ट्रेन में हमने तो 80 वाला खाना मंगाया है और काफ़ी लोग 100 रुपये वाला खाना का क्या सिस्टम है ये बता दीजिए एक बार, 100 रुपये वाला का यही 80 का, ये 80 का है। और जो 100 रुपये का बेचर वो वाला क्या सिस्टम है, वो नहीं है। तो भाई साहब कैमरे के सामने 100 रुपये आपका नाम बता दें क्या? हाँ ये 31 बताया, नाम नहीं बताया। तो अब कैमरे के सामने देखो भाई, 100 रुपये वाला थाली नहीं रहा, इससे पहले 100 रुपये वाला थाली था कि नहीं था? यही था, अब कैमरे के सामने 100 रुपये वाला थाली नहीं मिलता है, बाकी 80 रुपये वाला मिला है। तो आप सभी भी 80 वाला ले सकते हैं, देखते हैं खा के कैसा टेस्ट लग रहा है भाई साहब का खाना। और दोस्तों देख सकते हैं ये रही अपनी वेज थाली, जो कि सब्जी है चने छोले की, आलू की, और ये देख सकते हैं गाढ़ दाल, दाल की गढ़ाई भी ठीक ठाक है। और ये अच्छा खासा क्वांटिटी में चावल मिला है और हमें 2 पराठा मिला था। और अगर टेस्ट की बात करें भाई साहब, तो टेस्ट देखने में सब्जी का अच्छा लग रहा है, खाने में भी ये अगर टेस्ट की बात करें तो भाई साहब टेस्ट ठीक ठाक है, अच्छा है खाने लायक बिल्कुल। और दाल की देखो कढ़ाई भी बहुत बढ़िया है। बस बात यही होता है ना कि मैनेजर साहब तो अपने मन से देते हैं बढ़िया खाना, अब बीच में घोटाला हो जाता है तो क्या करें। अब यही मैं कैमरा उठाऊंगा और मैनेजर साहब के पास जाऊंगा, इनको 2 गालियां देंगे, क्या फ़ायदा है। तो इसलिए भाई आप अपने हक लिए लड़िए, 80 रुपये में खाना मिलता है, 80 रुपये में खाइए, इससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। बाकी खाना आपका बढ़िया है भाई साहब, मैंने तो खाना का रिव्यू दे दिया ठीक ठाक, लेकिन भैया खा रहे हैं कैसा लग रहा है? ठीक है, ठीक है ना। और अब सेवा पानी कैसा हो रहा है वीडियो के बाद? ठीक होने लगा ना वीडियो के बाद, भाई सेवा पानी अच्छा होने लगता है। बाकी चलते हैं, नागपुर आने वाला है, मिलते वहीं पे संतरा खिलाएंगे आपको नागपुर का। तो चलिए दोस्तों, मैं और ये मेरा पिछड़ा
भाई साहब संतरों के शहर यानी सिटी ऑफ ऑरेंज यानी नागपुर में। वैसे बात करें इस नागपुर का तो भाई साहब 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जहाँ पे 218 ट्रेनें आकर रुक जाती है। वैसे भाई साहब नागपुर में अपने टाइम से नहीं थोड़ा बहुत आगे पीछा है, बाकी आप सभी को खाने पीने के लिए तो अच्छा खासा सुविधा है, केला मिलेगा, संतरा मिलेगा और बाकी यहाँ पे थाली सिस्टम भी है जो आप सभी को मिलता रहेगा। वैसे अगर मैंने कई बार ट्राई किया है नागपुर में जो थाली वाला सिस्टम है ना, उधर तो नहीं बेच रहे होंगे वो, अधिकतर वो जनरल जो क्लास है ना वहाँ बेचते हैं। और देखो हाँ ये रहा ये थाली सिस्टम भाई साहब, मतलब वो कुछ खास मुझे समझ में नहीं आता। अगर अभी तो फिलहाल में 1 बज रहे हैं और 1 बजे के करीब में लीजिएगा ना तो कोई चांस नहीं रहता कि वो अच्छा हो कि बुरा हो, क्योंकि तो सुबह खाना 8 बजे बनता है, पन्नी में पैक रहता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे अगर बात करें जो पेंटिंग में हमने खाना खाया तो ठीक ठाक था, अच्छा है, आप खा सकते हो, लेकिन वही है कि आप अवेयर नहीं रहोगे तो आप सभी को भी खाना 100 रुपये का बेचा जाएगा, तो 20 रुपये का बेचा जाएगा। बस मैं यही कहूँगा, देखो मैं अब लड़ना वड़ना छोड़ चुका हूँ, अब मैं किसी से नहीं करने वाला हूँ, आपको समझदारी दिखाना पड़ेगा और आपको 80 रुपये में खाना मांगना पड़ेगा। कितने रुपये खाना खाएं खाली वाला खाएं कुछ क्या खाया, अभी केला खाया है ये भाई तो केला खाया है, बाकी आप सभी को शाम को अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। बाकी देखते हैं निकलते हैं नागपुर, नागपुर जानते हैं ना अपने फेमस है भाई साहब डायमंड क्रॉसिंग के लिए। डायमंड क्रॉसिंग क्या होता है वो आगे चलिए आप सभी को दिखाएंगे हम लोग। और ये रहा, और भाई साहब यहाँ पे फ्रेश फ्रेश ऑरेंज का जूस मिलता है जो कि 20 रुपये का है और सच में फ्रेश फ्रेश है। यहाँ पे देख सकते काउंटर है बीच स्टेशन में, 20 रुपये में आ रहे हैं, दिमाग फ्रेश हो गया, लेकिन अच्छा है आप पी सकते हो, पी सकते हो क्या, रिकमेंड है भाई पीना ही जरूर 20 रुपये में।